फ्रेंड्स, ये है सारनाथ चौराहा। ये मेन चौराहा है सारनाथ का, मतलब अंदर की तरफ वाला चौराहा। एक चौराहा आपको हाईवे से लगा हुआ मिलेगा, ये हाईवे से अंदर है। यहाँ से ये आप रेस्टोरेंट देख लीजिए, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं पहचानने के लिए कि किस जगह से आपको किधर जाना है। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको बुद्ध का थीम पार्क दिखेगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया दिखेगा और एक दो चीज़ें और हैं इधर फिलहाल। और यहाँ से ठीक जब आप जो वैशाली रेस्टोरेंट है उसके जस्ट राइट साइड से जब अंदर जाएंगे दोस्तों, ये है मेन चौराहा सारनाथ का जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसके जस्ट अपोजिट साइड से हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। और आपको दिखाएंगे हम लोग आज द चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसको चाइना टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, चाइनीज़ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये है उसका मेन गेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल में अभी आपको आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो चाइनीज़ थीम पे आधारित हैं, ठीक है। चाहे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख लीजिए या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने में भी चाइनीज़ टाइप की लगेंगी। मतलब चाइना में जो चीज़ें फॉलो होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें, वैसा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। इस चाइनीज़ टेम्पल के बारे में आपको यहाँ पे जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि क्लियर है। यहाँ पे कुछ कुछ अच्छे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े से इरेज हो गए हैं या फिर लाइट हो गए हैं, जो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और अगर कोई चाइना से है, चाइना से बिलोंग करता है, तो आप उस चीज़ को इधर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड में चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और सेकेंड साइड में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये है आपका गेट से एंट्री करने के बाद मेन इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप, ठीक है। और ये गेट पे आपका लिखा हुआ है, इस तरफ तो टेम्पल लिखा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे तो चाइनीज़ लिखा हुआ है। गेट बंद होगा तो चाइनीज़ टेम्पल दिखेगा आपको बहुत ही आराम से और समझ में आएगा। ये है गेट का पिलर, दो पिलर्स बने हुए हैं गेट के। चलते हैं हम लोग अंदर, देखते हैं क्या है। यहाँ पे फ़िलहाल उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन फेमस है, डोंट नो व्हाई। देखते हैं अंदर चल के। तो ये हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैंने बाहर से दिखाया था वो आपको मेन गेट दिख रहा होगा, रोड के साइड वाला। और यहाँ पे कुछ फ्लैग्स वगैरह में और पोस्टर्स वगैरह में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको चाहें तो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप कि विजुअल है, विजुअल नहीं है, विजुअल कर देता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ के बारे में। तो बस ये स्टैचू है और ये स्टैचू की फाइनली तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी यहाँ के बारे में, इस स्टैचू के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, सो कृपया मूर्ति को हाथ ना लगाएं, प्लीज़ डू नॉट टच स्टैचू। और ये है वो स्टैचू जिसको ना छूने की नोटिस लगी हुई है। इधर आपका प्रवेश निषेध है, डोंट नो इधर क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। और ठीक है, देखते हैं। और आपका स्ट्रेट में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड जो भी ये स्टैचू है ये क्या है। और ये है एक और इंफ्रास्ट्रक्चर, होम टाइप का कुछ है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कौन से भगवान का यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है। राइट साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ भी मेरे ख्याल से यहाँ रहने की जगह बनाई गई है, जो कि चाइनीज़ लोग या बुद्धिज़्म जो भी रहना चाहते हो यहाँ पे रह सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है, डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं जिनसे बात कर सकें और जिनसे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकें, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है इसमें, आई थिंक कि टेम्पल है ये, अंदर स्टैचूज़ वगैरह हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे पता था यहाँ पे है, तो ये अशोक स्तंभ है। इसको अभी और करीब से हम आपको दिखाएंगे, आपको फोटोज़ वगैरह भी इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चारों तरफ से दिखाने की ज़रूरत है नहीं, चारों तरफ से वो सेम ही होता है। और चलते हैं टेम्पल में, देखते हैं क्या है। तो हम लोग यहाँ पे शूज़ अपना यहीं पे छोड़ देंगे और अंदर चलेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिस, साइलेंस प्लीज़, कृपया शांत रहें। तो हम लोग अंदर कुछ नहीं बोलने वाले हैं, बस एक
कवर करेंगे, आपको विजुअल्स दिखाएंगे लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। सो फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं और अंदर बहुत ही खूबसूरत सा है व्यू, लाफिंग बुद्धा और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर देखने लायक जो मैंने आपको दिखा दिया। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, मुझे लग रहा है किसी स्कूल की तरफ से यहाँ पे कोई ट्रिप है, टूर है, जिसको घूमने के लिए बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे टाइम पर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि स्टूडेंट्स भी आ गए यहाँ पर घूमने के लिए किसी स्कूल से। ठीक है, तो देखते हैं आपको, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा बहुत। यार मतलब स्टूडेंट्स गजब ही होते हैं, आप कुछ भी नोटिस लगा लो, कुछ भी लगा लो, या तो प्रॉब्लम यह है कि इनको पढ़ना नहीं आता, या तो प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने के बाद भी ये शरारती होते हैं, शरारत कर रहे हैं अपना देखे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, मुझे लग रहा है किसी स्कूल का ट्रिप है ये और घूमने के लिए आए हुए लोग। तो किसी एक जन को हम लोग पकड़ते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं। 5 मिनट पहले बहुत शांति थी और अब सारी शांति भंग हो चुकी है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, इनको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं और शरारत करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल अपना काम यहाँ से हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं। आपको यहाँ का व्यू दिखा दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी हैं इतनी ही हैं और कुछ खास है नहीं यहाँ पर दिखाने लायक जो आप लोगों को दिखाया जा सके। फिलहाल निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो फाइनली हम लोग आ गए बाहर और यहाँ का जो भी पॉसिबल व्यू था वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया देखने को मिला हो, सीखने को मिला हो या जानने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आपका कुछ भी ना पे करना है ना आपका कोई भी किसी भी तरीके से आपका कोई डिडक्शन होना है। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और मुझे इसके बाद कौन से नए प्लेस पे या नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। सो प्लीज़ आपका जो सजेशन होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। प्लीज़ सपोर्ट एंड सजेस्ट फॉर द बेस्ट प्लेस एंड वीडियो। थैंक यू सो मच।